इमरान खान की वजह से बिगड़े भारत से रिश्ते, नवाज शरीफ बोले पुरानी बातों को भूल नई शुरुआत करने का आ गया समय। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ बेहतर रिश्ते की पेशकश की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी निशाना साधा। नवाज ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने में इमरान खान की भूमिका अहम रही है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदा पाकिस्तान यात्रा से नवाज शरीफ बेहद उत्साहित रहे। उनका मानना है कि यह रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है, नई शुरुआत करने का समय। तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि दोनों पक्षों को अब बातचीत करना चाहिए। उन्होंने साल 2015 में अचानक पीएम मोदी के लाहौर पहुंचने की भी सराहना की। नवाज ने कहा कि पुरानी बातों को भूलकर अब नई शुरुआत करने का समय आ गया है। एससीओ समिट में पहुंचे थे जयशंकर। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे थे। यह 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा था। आखिरी बार सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। इमरान खान के बयान ने बिगाड़े रिश्ते। नवाज शरीफ ने क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्ते खराब करने के लिए इमरान खान जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इमरान खान ने कई टिप्पणियां की, जिससे रिश्तों में खटास आई। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करना तो दूर, हमें सोचना तक नहीं चाहिए।